नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, मुझे लगता है लिब्रा आपके पर्सन के जो स्थिति है वो स्टकनेस में चला गया है। देख लेते हैं आगे चल के, उनका कोई विश पूरा होने वाला है बहुत जल्दी या फिर उसका इंतजार कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, नाइन ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बाद भी जो अभी जो स्थिति है आपके जो पर्सन है ये रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो जॉब और रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना कोई विश पूरा होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग के लिए आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो जो अगर पूरा हो जाए तो क्या कहना। इन चीज़ों को पूरी कंबाइंड कर रहा है, मन में दर्द भी है, रिश्ता स्टकनेस में चला गया तभी तो ये नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन पैदा हुआ है। तो ये रिश्ता पुराना भी, बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ओल्ड सोल हो आप लोग, सोल कनेक्शन भी फील करता है बंदा या बंदी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए उनको मेहनत करना पड़ेगा और वो मेहनत कर भी रहा है। जिन लोगों की पैसों की प्रॉब्लम है वो पैसों के लिए मेहनत कर रहा है, जिन लोगों की रिश्ते में किसी और का इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो उस लिए भी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि रिश्ते में जैसी मूवमेंट होने चाहिए उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है। जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिनके रिश्ते में, मुझे लगता है कि ये बिना कमिटमेंट वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्ते को एक हद तक ले जा सकता है, पूरी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं दे सकता जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्योंकि जो शादी वाला रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पाएगा। जिस रिश्ते में पैसे, वक्त और कुछ ऐसी बिना कमिटमेंट वाला जो रिश्ता है उस रिश्ते में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उस रिश्ते को छोड़ना पूरी तरीके से संभव भी नहीं है और नहीं भी छोड़ भी नहीं रहा है, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट भी नहीं दे पाएगा क्योंकि इनके लिए उनका विश जो है वही फर्स्ट प्रायोरिटी है। हो सकता है इनका कोई किसी के साथ शादी का रिश्ता ज़्यादा प्रायोरिटी है, किसी के साथ जो जो लोग मैरिड नहीं है लव रिलेशन में है उनका लव का जो सिचुएशन है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो उनके लिए पैसे जो है उसको रखना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए पैसे, कुछ लोगों के लिए पर्सन, थर्ड पार्टी है यहाँ, लेकिन फिर भी रिश्ते मिली जुली तरीके से सोच रहा है आपके पर्सन। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। आगे देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। लिब्रा, अगर रिश्ता आपके वजह से स्टकनेस में चला गया है तो आपके पर्सन जो है ये तो बहुत उम्मीद
रख रहा है आपसे, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जो भी है एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द चैरियट। कुछ लोगों का जो रिश्ता है वो सोल कनेक्शन फील कर रहा है आपके पर्सन आपसे, ये उम्मीद कर रहा है कि आप उनके साथ कांटेक्ट करो, आप रिश्ते को दोबारा मौका दो, आप जो कर सकते हो इस रिश्ते के लिए वो करो, आप अपनी अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, आपका जो जो इमोशन है इस रिश्ते के बारे में उसको आप स्टॉप ना करें, आप उनसे बातें करें, अगर फिजिकल कम्युनिकेशन संभव हुआ तो उसको करें, ना हुआ तो डिजिटल कम्युनिकेशन करें। जो फीलिंग्स आपका है उनके लिए उस फीलिंग्स को जाहिर करें और रिश्ते को दोबारा मौका दीजिए, ऐसा ये सोच रहा है। जिस तरीके से आप अपने आप को रोक के रखा है लिब्रा, आपने अगर ऐसा सोचा है कि इस रिश्ते को मौका देना ही नहीं है तो ये गलत है। उनको लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। दूसरी चीज़ है रिश्ते को बैलेंस करना, जैसे उनकी जिम्मेदारी है वो सोच रहे हैं कि आपका भी एक जिम्मेदारी है, तो आपको उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और आपको उनकी सोच का कदर करना चाहिए, उनको मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, उनके लिए आपका इमोशन जो है पूरी तरीके से है, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा आप ना करें, क्योंकि ये तो बैलेंस करते करते थक चुके हैं, नहीं हो रहा है, दोनों रिश्ता इनको रखना है और ये नहीं कर पा रहे किसी एक को चैन, तो आपको उनको समझना चाहिए, उनको थोड़ा सा उनकी सोच में मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद भी खुद को साइड करके बैठ जाओ, ऐसा ना करें। आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है उनको पता है लिब्रा कि आपके साथ ही रिश्ते में ग्रोथ है, जब तक ये आपके साथ रिश्ते में है तब तक ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, हो सकता है आप इनके बच्चों की माता या पिता हो या फिर बनने वाले हो, या आपके पास जो है स्टेबिलिटी है, पैसे हैं, इज्जत है, शोहरत है, तो ये आपके तरफ झुकाव रखते हैं, ये नए शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, आपके तरफ आएंगे, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो भी, क्योंकि मैंने कहा कि आपकी बच्चों की माता या पिता हो सकते हो या फिर वो है या फिर बन सकते हो, ऐसी उम्मीद है क्योंकि ग्रोथ है रिश्ते में, फर्टिलिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है, लोगों को दिखाने के लिए भी रिश्ता बहुत सुंदर रिश्ता है। तो ये पर्सन कोशिश करेंगे, जिनकी पैसों की प्रॉब्लम है पैसे से थोड़ी सी मदद आपको मिलेगी, ये पैसे की स्टेबिलिटी के साथ, रिश्ते की स्टेबिलिटी के साथ आपके तरफ आएंगे, आपसे बातें करेंगे, चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपको उनका ऑफर पसंद नहीं आया तो मुझे लगता है आप मूव ऑन कर सकते हो। खास करके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वो लोग मूव ऑन करेंगे, क्योंकि यहाँ जो शादीशुदा जोड़े हैं वो जाएंगे नहीं, वो इस फर्टिलिटी को, ग्रोथ को और इन्हेंस करेंगे, साथ आएंगे इस हफ्ता, ऐसा उनका सोच रहेगा। और जिनकी सोच के साथ कंबाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा है ना रिश्ता, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को वक्त मिल रहा है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को प्यार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को वक्त चाहिए, किसी को अटेंशन चाहिए, तो नहीं हो पा रहा है। तो जिसको नहीं मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा वही लोग होंगे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है,
अगर आपके पर्सन आपके तरफ आएगा आपको वो ऑफर भी देंगे, थोड़ा सा आपको मिल सकता है स्टेबिलिटी की ऑफर, या थोड़ी सी पैसे, या थोड़ा सा वक्त, जिससे आपकी जो चाहत है वो पूरी ना हो पाएगा। तब आपका ये सोच आ सकता है विद बैगेज, इमोशनल बैगेज के साथ आपको ये लगेगा भाई मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो इनसे कुछ नहीं मिल रहा है, ये तो मुझे डे बाई डे धोखा ही दे रहा है। तब आप मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। वही लोग जो शादी के अलावा भी किसी के साथ दिल के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो शादीशुदा लोग हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। अभी हम देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कोई एरीज के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अर्कना के ऑलरेडी 3-3 कार्ड आ चुका है, तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं लिब्रा। मेडिटेशन, बिग हैप्पी चेंजेस, टेक एक्शन। यूनिवर्स आपसे, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, जो आपको लग रहा है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, तो आप मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन आपको आंसर दे देगा। अकेला रहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए, बात कम कीजिए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ बिग हैप्पी चेंजेस, मुझे लगता है आपके लाइफ में बहुत बड़ी कोई खुशी आ रहा है, आपको यूनिवर्स बहुत बड़ा कोई खुशी देने जा रहा है, जिससे आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है, होने जा रहा है। तीसरा जो कार्ड आया है टेक एक्शन, आपको रुकना नहीं है, जो खुशी आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपको मिलने जा रहा है, उसे दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।